एमएस एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे डी काउंट ए फॉर्मूले का उपयोग करना। हम आपको काउंट ए फॉर्मूले के बारे में पहले ही बता चुके हैं। जब हम किसी रो या कॉलम के नंबर्स या अल्फाबेट्स को काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए काउंट ए फॉर्मूले का उपयोग होता है। वैसे ही डी काउंट ए फॉर्मूले का उपयोग हम तब करेंगे जब हम एक कंडीशन के आधार पर दिए गए डेटाबेस के किसी एक कॉलम के नंबर्स या अल्फाबेट्स को काउंट करना चाहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो डी काउंट ए एक कॉलम के उन सेल्स को काउंट करता है जो भरे हुए हैं, यानी जो ब्लैंक नहीं है। चलिए आपको ये एक उदाहरण द्वारा समझा देते हैं। इस डेटाबेस में हमने कुछ बच्चों को मिले मार्क्स का डेटा लिया है, जिसमें स्टूडेंट्स का नाम, उनका जेंडर, उनकी एज और उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है, यानी उन्हें किस विषय में कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के मार्क अवेटिंग हैं, यानी अभी आना बाकी हैं, और कुछ के मार्क्स नहीं लिखे हैं। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि डी काउंट ए फॉर्मूला एक कंडीशन के आधार पर डेटाबेस में से सिलेक्टेड कॉलम के सभी भरे हुए सेल्स को काउंट करेगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम लगाकर देखते हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन पहले ही लिख के रखी हुई है। हम ये पता करना चाहते हैं कि ऐसे कितने मेल स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद टाइप करेंगे डी काउंट ए। ये देखिए नीचे हमको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है डेटाबेस, उसके लिए हम इस पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें डेटाबेस को हेडिंग सहित सिलेक्ट करें। अब हम यहां फॉर्मूले में कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमको फील्ड सिलेक्ट करना है। फील्ड के लिए हम स्कोर वाली हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, मतलब ये स्कोर वाले कॉलम के उन सेल्स को काउंट करेगा जो भरे हुए हैं। यहां पर हम कॉमा लगाएंगे और अब एंड में हमको क्राइटेरिया चुनना है, यानी कि वो जो कंडीशन हमारी है जो हमने यहाँ लिखी है कि सब्जेक्ट मैथ्स हो और जेंडर मेल हो। तो अब हेडिंग सहित हम इस कंडीशन को चुन लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया है 4, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट के मेल जेंडर वाले केवल 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्कोर वाले सेल भरे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट 4 है। ये देखिए यहाँ पर हमने इस डेटाबेस में वो सारी रोज हाईलाइट भी कर दी हैं जिसमें कि हमको ये रिजल्ट मिल रहा है, मैथ सब्जेक्ट में मेल जेंडर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर वाली जो सेल है वो भरी हुई है। अब हम सब्जेक्ट बदलते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो मैथ्स की जगह पर हम सब्जेक्ट ले रहे हैं साइंस। अब हमको देखना है कि साइंस सब्जेक्ट वाले ऐसे कितने मेल स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर वाले सेल्स भरे हुए हैं। हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहां पर रिजल्ट चेंज हो गया है और अब रिजल्ट आया है 2। इसको हम रीचेक करते हैं। रीचेक करने के लिए हम डेटाबेस में वो वाले रोज हाईलाइट कर लेते हैं जिसमें साइंस के मेल स्टूडेंट्स हैं। ये देखिए यहां पर ग्रीन कलर से हमने उन रोज को हाईलाइट कर दिया है जहां पर मेल स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट साइंस है और उनके स्कोर भी दिए हुए हैं। वैसे ऐसी 4 एंट्रीज है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये मेल स्टूडेंट है, सब्जेक्ट साइंस है, पर स्कोर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, स्कोर वाली सेल खाली है। इसी तरह से एक और ऐसी एंट्री है ये वाली, जिसमें मेल स्टूडेंट है, सब्जेक्ट साइंस है,
पर यहाँ पर भी स्कोर वाला सेल खाली है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर आंसर आया है वो आया है 2। अब एक बार इंसर्ट फंक्शन की सहायता से भी डीकाउंट ए फंक्शन का उपयोग करके हम देख लेते हैं। उसके लिए जहां पर हमको फॉर्मूला लगाना है उस सेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ऊपर फॉर्मूला स्टेप पर क्लिक करके इंसर्ट फंक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर सबसे पहले सर्च फॉर फंक्शन वाला जो बॉक्स है उसमें डी काउंट ए लिख करके गो पर क्लिक कर देंगे। अब ओके पर क्लिक करेंगे। डेटाबेस वाले ऑप्शन के लिए उसके बॉक्स में क्लिक करके पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग सहित। फील्ड वाले ऑप्शन के लिए उसके बॉक्स में क्लिक करेंगे और उसके बाद स्कोर वाले कॉलम की जो हेडिंग है उस पर क्लिक करेंगे। अब आगे आएंगे और क्राइटेरिया वाले ऑप्शन के लिए उसके बॉक्स में क्लिक करके हम क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेंगे। इस बार हमारा क्राइटेरिया है कि सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए और स्टूडेंट की एज 15 इयर्स। तो इस क्राइटेरिया को या इस कंडीशन को हम हेडिंग सहित सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ नीचे ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिजल्ट आया है 3, क्योंकि हमारी दी हुई कंडीशन के आधार पर केवल 3 एंट्रीज ऐसी हैं जिनका सब्जेक्ट साइंस है और एज 15 इयर्स है और जिनके स्कोर वाले सेल भरे हुए हैं। ये ऐसी जो एंट्रीज हैं उनको हम आपको हाईलाइट करके बता देते हैं। ये देखिए, ये 3 वो एंट्रीज हैं जिसमें सब्जेक्ट साइंस है और स्टूडेंट की जो एज है वो 15 इयर्स है और स्कोर वाली जो सेल है वो भी भरी हुई है। हालांकि यहाँ पर 15 साल के स्टूडेंट्स के साइंस सब्जेक्ट वाली 5 एंट्रीज हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हमने 2 और एंट्रीज हाईलाइट की हैं जो कि साइंस सब्जेक्ट की और 15 साल के स्टूडेंट वाली हैं, पर इनमें स्कोर वाला जो सेल है वो खाली है, इसलिए रिजल्ट में इन एंट्रीज को काउंट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हम कंडीशन में बदलाव करके देख लेते हैं। एज को हम 15 की बजाय 14 कर देते हैं। कंडीशन चेंज करके अब हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर रिजल्ट भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से अगर हम कंडीशन में कोई भी चेंज करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा डी काउंट ए फॉर्मूले का उपयोग करना।